हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान सीईटी की इवनिंग शिफ्ट की आंसर की, जो आज पेपर हुआ है 11/2/2023 को। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आया, द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम इन ह्यूमन, ह्यूमानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये कितने पाए जाते हैं टोटल। ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी, पहले प्रश्न का सी हो जाएगा। अजीब प्रश्न नंबर दो देखते हैं, राजस्थान बजट 2022-23 में मरु क्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संचरण परियोजना के लिए कितना परिव्यय आवंटित किया गया, तो इसके लिए किया गया था 600 करोड़ रुपए। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अब देखिए प्रश्न नंबर तीन, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपके सामने निकल कर 6 1/2 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। ठीक है, आज ये प्रश्न नंबर चार देखिए, प्रश्न नंबर चार है आपके सामने, इन एन इकोसिस्टम डोमिनेटेड बाय ट्रीज द पिरामिड ऑफ नंबर इज, ठीक है, तो ये कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर आपके लिए। ठीक है, आ जाइए देखो, स्काउट एंड द गाइड नेशनल जम्बूरी 2023 वाज होस्टेड बाय विच सिटी, तो ये कौन सी सिटी में हुआ था, ये पाली, रोहट पाली में ऑर्गेनाइज कराया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्न नंबर पाँच का। और देखिए प्रश्न नंबर छः देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस आर स्प्रेड बाय फ्रूट बैट्स, है ना, फ्रूट बैट्स के द्वारा कौन सा वायरस फैलाया जाता है, तो निपाह वायरस, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अजय प्रश्न नंबर सात, ऑथेंटिकेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द होगा, तो ऑथेंटिक तो प्रमाणिक होता है और ऑथेंटिकेशन प्रमाणीकरण, तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अजय प्रश्न नंबर आठ देखिए, सब्सक्राइबर, ठीक है, सब्सक्राइबर का क्या पूछा, करेक्ट अल्टरनेटिव पूछा गया, प्रेषक नहीं होगा, आलेख नहीं होगा, आलेखी नहीं होगा, अभी दाता होगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्न नंबर आठ का, ऑप्शन नंबर बी। अजय प्रश्न नंबर नाइन देखिए, देखिए जब ये प्रश्न नंबर नाइन सोल्व करेंगे, एक लड़की की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु की एक तिहाई है, यदि माता की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है तो 15 वर्ष पश्चात लड़के की आयु कितनी हो जाएगी, तो 15 वर्ष पश्चात एक्स अपॉन 3+15 लड़के की आयु हो जाएगी, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर प्रश्न नंबर नाइन का, ऑप्शन ए। आज ये प्रश्न नंबर टेन देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर टेन ऐसे कह रहा है, किसी परिस्थिति में प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी, ठीक है, इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे तो अंडर द सर्कमस्टेंस विल एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अकर्स, ठीक है, तो देखिए ये होगा जब ओ ब्लड ग्रुप वाले को आप है ना ए या ए बी ब्लड ग्रुप चढ़ा देंगे, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर प्रश्न दस का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अजय गंगाधर में कौन सा समास है, तो गंगाधर में कौन सा समास है, गंगाधर में है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अजय प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 12 है, द नम यहाँ पर एक सुकेंद्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या एवं आकृति डैश कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, तो देखिए प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कायरोटाइप कहलाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न 12 का बी हो जाएगा। विच प्लेस ऑफ राजस्थान इज रिलेटेड टू कपिल मुनि, तो कोलायत बीकानेर सब लोग जानते हैं इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो देखिए फर्स्ट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन वुमेन चेयरपर्सन कौन थी, तो प्रश्न नंबर 14 ऑप्शन नंबर कांता भट्टागर, ठीक है, डी हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 15 देखिए, देखो यहाँ पर वी डिडेंट हैव टू टेक एग्जाम सैड द चिल्ड्रंस, ठीक है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो इनडायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, द चिल्ड्रन सैड दैट दे विश्ड दे डिडेंट हैव टू टेक एग्जाम, ठीक है, तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, देखिए जब ये प्रश्न नंबर 16 आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 40 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। आ जाइए यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 देखिए, द एरिया ऑफ इंडिया अंडर प्लेट्यू रीजन इज अबाउट, भारत में पठारी क्षेत्र लगभग कितना प्रतिशत है, तो ये कितना प्रतिशत है, 27%, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका होगा, तो कितना हो जाएगा माध्यिका, ऑप्शन सी 12 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 आ जाइए, इसमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उबंटू क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड भी मोबाइल फ़ोन के लिए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ एनटी भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर था, तो कौन सा बचा, ऑटोकैड बचा, ये कौन सा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया आपका, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर प्रश्न नंबर 19 का। अब देखिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 20,
यहाँ पर है राजस्थान में तेवारी गांव में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था रानी रमस दे ने। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा इसका, 20 का। अजय प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। क्रीक के अनुसार अनुवांशिक सूचनाएं केंद्रक से बाहर की ओर डैश प्रवाह द्वारा प्रदत्त होती हैं, तो टू वे, वन वे, सर्कुलर या इन्वर्टेड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वन वे डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। देखो, बोरलो ऑर्नामेंट इज वोन बाय द वुमेन, स्त्रियों द्वारा बोरलो आभूषण डैश पर पहना जाता है, तो ये कहाँ पहना जाता है, बोरलो सिर पर पहना जाता है, माथे पर, बिल्कुल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 का। प्रश्न नंबर 23 देखिए। एक घड़ी का क्रय मूल्य 530 रुपये है, यदि हानि प्रतिशत 24% हो तो हानि का मान रुपये में क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी निकल कर आएगा, 127.2। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर प्रश्न नंबर 23 का। आ जाइए प्रश्न 24 करते हैं, और पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं। कौन सा कर लें बताओ, रेड कर लें, रेड कर लेते हैं। अब देखिए 24, यदि निम्नलिखित शब्दों को वर्ग क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द आखिर में आएगा? ठीक है, जब आप इन सब वर्ड्स को अरेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए देखो DR, 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 ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहला अक्षर, लास्ट का अक्षर देखा जाएगा ए ए ए ए ए, ठीक है। अब ए के बाद में पहले कौन सा आएगा, पी आएगा, एस आएगा, एम आएगा, एन आएगा, के आएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका आएगा ड्रास्टिक, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सबसे लास्ट में आएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वन की उद्यान स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है, ये है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर के अंदर, ठीक है। आ जाइए प्रश्न नंबर 26 देखिए। 26 का ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 956। प्रश्न नंबर 27, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखो, कलई खुलना होता है भेद खुल जाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो नूपुर बिल्कुल शुद्ध है, ए हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 29, तो देखिए प्रश्न नंबर 29, राजस्थान में सूक्ष्म लघु व मध्य उपक्रम नीति 2022 के अनुसार कितने नए उद्योग क्षेत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर करीब करीब डी होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का। आ जाइए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल करेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई में, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर प्रश्न नंबर 31 देखिए। पावर पॉइंट में आउटलाइन टेप का प्रयोग डैश व्यू करने में आता है, तो स्लाइड के पिक्चर और टेक्स्ट दोनों में, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर 31 का। आ जाइए 32 देखिए। कुवल्यमाला नामक ग्रंथ संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नामों का उल्लेख हुआ है? ठीक है, तो कितनी देशी भाषाओं का, 18, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 33 देखिए। देखिए 33 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.732, ठीक है। प्रश्न नंबर 34 देखिए। 34 देखो, प्रेरणार्थक क्रिया है कौन सी, चलना, बी हो जाएगा इसका 34 का। जिस स्थिति में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे बोला जाता है फार साइटेडनेस, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष में पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती, और निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, ठीक है। और ये प्रश्न नंबर 36 देखिए। एडमिशन का क्या पूछा है, एंटिनम पूछा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, डिनाइल, डेनियल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36 का। अरे 37 देखिए। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना को डैश से लॉन्च किया गया था, ठीक है, तो किससे लॉन्च, 2013 में लॉन्च किया गया था, ईयर पूछ रहा है, कौन सी ईयर में लॉन्च किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निशुल्क जांच योजना 37। अरे प्रश्न नंबर 38 देखिए। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के ब्लॉक छपाई के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो इसे सूती कपड़े पे किया जाता था, इस प्रक्रिया की शुरुआत करीब 1212वीं सदी में हुई थी, इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं होता, भाई 12वीं सदी में होगी तो नेचुरल रंग का तो प्रयोग वैसे भी होता ही है, ठीक है, और ब्लॉक छपाई है तो वैसे भी होता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि इसमें नहीं किया जाता है, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, यही ऑप्शन मतलब सही हो जाएगा अपने हिसाब से। राजस्थान का एक प्राचीन शिल्प रूप है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। प्रश्न नंबर 39 पे आ जाइए।
देखिए डैश नासा व इसरो के मध्य दोहरी आवर्ती शिलिष्ट द्वारक रडार उपग्रह प्रक्षेपण करने के लिए एक संयुक्त परियोजना है। तो ये कौन सी थी? निसार थी। ठीक है, 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 देखिए, द फेमस ट्राइबल फेयर बेनेश्वर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। देखो बेनेश्वर धाम आपको पता ही है, माही नदी पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया है? प्रश्न नंबर 40 बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डूंगरपुर में। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 देखो, यहाँ पे दे रखा है अंतरराज्य परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को देखें। अंतरराज्य परिषद की स्थापना आर्टिकल 263 के अंतर्गत हुई। ठीक है, 41 ठीक है, तो ये तो ठीक है, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं, ये भी ठीक है। इसकी स्थापना राजा मन्नार समिति के अनुशंसा पे हुई थी। ये एक अस्थाई ठीक है, ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है, एक और दो जो ऑप्शन आ रहे हैं वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, प्रश्न नंबर 41 का ए। आज प्रश्न नंबर 42 करते हैं। What does the term नीति आयोग stand for? ठीक है, तो National Institute for Transforming India, ये है इसकी फुल फॉर्म, कहाँ लिखी हुई है देखते हैं। Transforming India, इसी में ट्रांसपेरेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है, टेक्निकल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा 42 का। ठीक है, आ जाइए 43 देखते हैं। वर्ष 1957 में अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव निर्मित उपग्रह था, तो कौन सा था? स्पूतनिक। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 43 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये 44 करते हैं। राज्यपाल के विशेष आभूषण अभिभाषण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 166 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर सही। ठीक है, 44 का सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 45, फीचर क्रिएटेड ए मिरर इमेज ऑफ ए सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो देखो मिरर इमेज कौन बनाएगा? ऑप्शन नंबर डी मिररिंग बनाएगा। ठीक है, आज ये प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। व्हाट इज डिजिटल सर्किट मेड अप ऑफ? तो देखो डिजिटल सर्किट किससे बना होता है? लॉजिक गेट से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो कौन है बताइए? इसके है प्रद्युमन सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो बताइए क्या मिलेगा इसमें से? इसमें मिलेगा Fe। ठीक है, बी आयरन मिलता है हीमोग्लोबिन। 49 का हो जाएगा। एक आदमी प्रथम 4 माह में औसत इतने 1800 प्रतिमा खर्च करता है, वह अगले 8 माह में औसत 2000 रुपये प्रतिमा खर्च करता है, वर्ष के अंत में वह 5600 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? तो देखिए जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए 2400 रुपये। ठीक है, प्रश्न नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है? ठीक है, तो भीलों का लोक नृत्य बताना है, तो जब आप इसका आंसर हो जाएगा गवरी नृत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रश्न नंबर 51, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज ये प्रश्न नंबर 52 देखते हैं। देखो राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित है? तो ये बताइए कहाँ स्थापित है? तो ये है अंता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 52 का। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 53, आई मस्ट अपोलोजाइज डैश बींग लेट माई कार ब्रोकन डाउन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 4 आ जाएगा। आज ये 54 देखते हैं। देखो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना डैश में की जाएगी, तो इनकी कहाँ की जाएगी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जयपुर में की जाएगी। आज ये प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 55, जिसे मयंक रुपये 8001 बॉन्ड के चक्रवृद्धि ब्याज हेतु जिसमें ब्याज अर्धवैश्विक देय है, तो इसका आंसर जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, 55 का क्या आंसर रहेगा? बी आ जाएगा। 56 देखिए, एकाकी शब्द में कौन सा समास है? तो ये प्रश्न बिल्कुल सेम रिपीट हुआ है, तो इसमें कौन सा समास है? इसमें दो गुण समास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 57 का आ जाइए, 2021-22 में राजस्थान के कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? तो कितने जिले हुए थे? 12 जिले हुए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 2021-22 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 58 आ जाइए,
देखिए इसमें निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो फायरफॉक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है 58 का ए। 59 आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ए नोटिस, ठीक है 59 का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है नोटिस का, तो मिनट्स नहीं है, ठीक है ऑप्शन सी हो जाएगा। टाइम एंड डेट लिखेंगे, एजेंडा लिखेंगे, सिग्नेचर बाय अथॉरिटी सारी लिखेंगे, पर मिनट्स नहीं होगा। 60 आ जाइए, पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, है ना प्रश्न नंबर 60, तो ये है केरला के अंदर, ऑप्शन डी हो जाएगा। आ जाइए यहाँ पर प्रश्न नंबर 61 देखिए, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गॉड इज ओमनीपोटेंट, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा शब्द चांदी का पर्याय नहीं है, ठीक है तो चांदी का पर्याय कौन सा शब्द नहीं है, हिरण्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 62 का आ जाइए, 63 देखिए, रोगाणु रोधक गुणों को प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसको साबुन में मिलाया जाता है, तो किसको मिलाया जाएगा, बाइथियोनोल, ठीक है ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। आ जाइए प्रश्न नंबर 64 देखिए, शब्द पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम दिया है, ठीक है तो किसने दिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए जी टेंसले ने, ठीक है 64 का सी। 65 आ जाइए, देखिए राजस्थान में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो दो शिक्षकों को दिया गया है ये। प्रश्न नंबर 66 देखिए, चिल्ड्रन शोलो इज अ डैश फिल्म, ठीक है ये छेल्लो जो है फिल्म है, ये कैसी फिल्म है, गुजराती, बंगाली, मराठी, मलयालम, तो ये है एक गुजराती फिल्म, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है छेल्लो, छेल्लो नाम से भी पता चल रहा है। 67 आ जाइए, देखो ट्रांसफ्यूज़न के लिए रक्त को कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है, तो 35 से 45 दिन तक संग्रहित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ट्रांसफ्यूजन मतलब किसको चढ़ाना है आपको। आ जाइए देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम निम्नलिखित स्थानों में से किसके निकट है, ठीक है तो किसके निकट है बताइए, ये है महाबलेश्वर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। प्रश्न नंबर 69 देखिए, जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल है, ए इज इक्वल टू 2:3 वाला, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16:24:30:35, ठीक है तो आपके ये वाला ऑप्शन निकल जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से तालव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है तो इसमें कौन सा प्रत्यय आया है, इसके अंदर आया है य प्रत्यय, बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 देखिए, ये आपका ट्रायंगल वाला ABC और ये ट्रायंगल PQR है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 71 को, तो इसका आंसर निकल कर आएगा 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 72, कार्यालय पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता है, ठीक है तो इनमें से क्या नहीं लिखा जाएगा, पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम का पता नहीं लिखा जाता, ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73, गर्भवती महिला में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है, ठीक है तो कितना है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है 12 ग्राम/डेसीलीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 73 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आ जाइए 74, निम्नलिखित में से कौन सा सघनन बहुलक नहीं है पॉलीमर, तो नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर पूछ रहा है, ठीक है 74 का, तो ये नहीं है, नियोप्रीन नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है 74 का बी। आ जाइए 75 देखिए, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे बनने वाले घन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा सॉरी तो देखिए इस आंसर, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 76, द वैल्यू ऑफ 2.3 और इसके ऊपर 4 के ऊपर बार लगी हुई है, तो इसका आंसर आएगा, देखो 76 का जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर ही आएगा बी, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर प्रश्न नंबर 77 देखो, प्रश्न नंबर 77 है, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, तो आप जब ये करेंगे तो इनमें से कौन से डिफरेंट प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं आपको मिलेंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है A3 और B4, ये आपका आंसर हो जाएगा 77 का डी आंसर निकल कर आएगा, ठीक है।
अब देखिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर 78, यहाँ पर आपके सामने एक पैसेज लिखा हुआ है, पैसेज के बाद में एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, द अबोव स्टोरी टीचेस यू टू बी, है ना। अब ये जो ऊपर स्टोरी पूरी पढ़ने के बाद में आपको क्या शिक्षा मिलती है, काइंड एंड ग्रिगेरियस, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब ये 79 करते हैं, किशनगढ़ शैली डैश के लिए प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, चित्रकला के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा साइन थीटा, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका 80 का। अरे 81 देखिए, गणगौर का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, ठीक है, तो गणगौर का युद्ध लड़ा गया था महमूद खिलजी सेकंड और महाराणा सांगा के बीच में। प्रश्न नंबर 82 देखिए, यहाँ पर देखा भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था, तो भारतीय संख्या के स्थान कोलकाता में, और ये हमने बहुत अच्छे से हमारे लेक्चर्स में पढ़ाया था, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 83, अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव की जैव विविधता धरोहर स्थल डैश में है, ठीक है, तो ये कहां पर है, ये है तमिलनाडु, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर 83 का। 84 देखिए, प्रचंड जिसे हाल ही में शामिल किया गया था एक डैश है, तो ये क्या है 84 का, ठीक है, ये है ऑप्शन हेलीकॉप्टर, प्रचंड का एक हेलीकॉप्टर है। आ जाइए यहाँ पर प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार 2022 के साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत नहीं हुए हैं, ठीक है, तो प्रश्न नंबर 85 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नटराज चंद्रशेखरन, ये नहीं हुए। अरे प्रश्न नंबर 86 देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का समूह का चयन कीजिए जो संख्या समूह 5, 27, 25 और 7 के समान हो, ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 86 को, तो आप पहुँचेंगे 7, 49 and 30, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा, प्रश्न नंबर 87, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय पृष्ठांकित करता है, ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 88, ठीक है, तो देखिए जब आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे, राजस्थान सरकार की अनुप्रति योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ठीक है, तो वित्तीय सहायता प्रदान करती है प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों के लिए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 88 का बी। अरे प्रश्न नंबर 89 देखते हैं, यहाँ पर आंकड़ों में डीएनए स्थानांतरण की कणिक बिंदु विधि का सामान्य नाम है, ठीक है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, मिसाइल विधि, ठीक है, प्रश्न नंबर 89 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 90 देखते हैं, देखो 10 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या वाले किसी वृत्त की त्रिज्याओं के मध्य बिंदुओं का बिंदु पथ होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 91, जब इस फिगर को आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए निकल कर, ठीक है, ये वाला। 92, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे, ये शीट के सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन की प्रयुक्त की जाती है, तो F2 करी जाती है, ठीक है, F2 आंसर ए हो जाएगा, 92 का ए। आ जाइए 93 देखिए, इनपुट स्टोरेज प्रोसेस और आउटपुट के अलावा कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाला पांचवा ऑपरेशन कौन सा है, तो ये कौन सा ऑप्शन होता है, कंट्रोल ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 93 का। आ जाइए 94 देखते हैं, निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है, ठीक है, ब्लू पॉटरी, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 देखिए, निम्न लिखित जानकारी पर ध्यान केंद्रित कीजिए, अब यहाँ पर ही आपको क्वेश्चन पूरा दे रखा है, 95 को जो आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा 86 निकल कर। और ये प्रश्न नंबर 96 देखिए, कौन सा मृदा का मुख्य घटक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, लवण, सॉल्ट्स नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर 97, पानी में अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। प्रश्न नंबर 98, मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा बटन प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉलम बी। यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है, तो कौन सी संस्कृति को कहा जाता है, ये कहा जाता है आहड़ संस्कृति को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 100 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप
माजुली किस नदी पर स्थित है, ठीक है, तो कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्रा पर। ये क्वेश्चन सेम सीईटी से रिपीट होकर आया है यहाँ पर। देखिए निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मीणादे थी, ठीक है, तो कौन से लोक देवता की थी, ये थी रामदेव जी की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर 101 का। अब देखिए प्रश्न नंबर 102, डीपीआई स्टैंड फॉर, है ना, तो डीपीआई का क्या मतलब होगा, डॉट पर इंचेस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से कराया था कंप्यूटर के लेक्चर्स में, जिसने देखे होंगे उसका एक भी क्वेश्चन कंप्यूटर का गलत नहीं हो रहा होगा। अब देखिए निम्नलिखित में से, प्रश्न नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है, ठीक है, तो यहाँ देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ, 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय थे, ठीक है, ग्राम पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है, तो ये ही कथन सही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 103 का। प्रश्न नंबर 104, शावक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है, तो सही संधि विच्छेद क्या होगा, शो प्लस बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 105, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कंसाइज, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, 105 का ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106, हु एडमिनिस्टर ओथ टू द स्पीकर प्रोटम, है ना, जो प्रोटम स्पीकर होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तो उनको राज्यपाल, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा 106 का, ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107, चिल्का झील डैश नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है, तो कौन सी नदी के डेल्टा, महानदी के, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 107 का सी हो जाएगा। आ जाइए 108 देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वृत्त त्रिज्या आर और फलक दूरी एफ के बीच संबंध बताना है आपको, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर इज इक्वल टू एफ बाई टू, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 109, तो देखिए 109 में निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपके सामने श्रेणी दे रखी है, इसमें कौन, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा 130, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 110, राव जेसीरो छंद का लेखक कौन था, ठीक है, तो इसका लेखक था बीठू सूजा, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 111, तो देखिए भारत में किशोरियों में सबसे आम देखा जाने वाला पोषण संबंधी विकार है, तो कौन सा है, तो ये है स्कर्वी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 112, पीएम श्री योजना इज अबाउट, है ना, पीएम श्री जो योजना है उसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक का उन्नय तथा विकास करना है, स्कूल का, ऑर्फेंस, विश्वविद्यालय, अस्पतालों का, तो ये करना है स्कूलों का, ऑप्शन ए हो जाएगा पीएम श्री योजना का, ठीक है। प्रश्न नंबर 113, देखिए निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है, तो बंद बागड़, ठीक है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 114 आ जाइए, बडली उद्योग क्षेत्र स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की जाएगी, तो ये अजमेर में की जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, प्रश्न नंबर 114 का डी हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 115 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है, तो प्रश्न नंबर 115 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, रीको, ठीक है, यही है। आ जाइए प्रश्न नंबर 16 देखिए, रेजालो युद्धक स्मारक स्थित है, ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख के अंदर, ठीक है, 116 का डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 117, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द गिवन नंबर सीरीज, तो इन ये जो नंबर सीरीज है इसका नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.01 अंडर रूट 0.1, ठीक है। और जी प्रश्न नंबर 118 देखिए, यहाँ पर ये जो द प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज बाय 25% वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर निकल के आएगा 20%, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 118 का। अब देखिए प्रश्न नंबर 119, राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी, है ना, राजस्थान में भारत के अकॉर्डिंग, तो 5.66% थी, ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 119 का। आ जाइए प्रश्न नंबर 120 करते हैं, देखो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है, ठीक है, तो ये कब होता है, ऑप्शन नंबर डी, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर।
अब ये प्रश्न नंबर 121 सी देखते हैं, अशोक लीलैंड फैक्ट्री राजस्थान में कहाँ स्थित है, ठीक है, तो ये है अलवर में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, अलवर के अंदर है अशोक लीलैंड फैक्ट्री राजस्थान के अंदर, ठीक है। 122 देखते हैं, ये देखिए मैथमेटिकल सा क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे जब आप पूरे को, तो इसका आंसर आपका निकल के आएगा डी, ठीक है, 3। द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये वाला 3 मुद्रा धातु की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है। प्रश्न नंबर 123, तो इसका आंसर जाएगा कॉपर +2 Ag प्लस और CaU +3, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर 123 का। प्रश्न नंबर 124, डैश को पराजित कर प्रतिहारों ने भीलमाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया था, तो गुहिलों के, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 124 का। आज ये प्रश्न नंबर 125 देखते हैं, राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम है, ठीक है, तो क्या नाम है, कृष्ण मिल, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 126, हड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की, तो हड़ौती सेवा संघ की स्थापना नेहरू राम शर्मा जी ने करी थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 127, निम्नलिखित में से किसे कोलू फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला स्थापित है, ठीक है, तो 127 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोगा जी, ठीक है। प्रश्न नंबर 128, सरसों पादम ब्रिसिका के किस भाग से सरसों तेल निष्कासित होता है, ठीक है, तो ये कौन से भाग से होता है, बीज से, सीड से, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 129, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया, ठीक है, तो किसकी, राजस्थान पुनर्गठन आयोग, राजस्थान रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है, 129 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर, अब देखिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 130, ठीक है, अ पर्सन हु इज अनसिविलाइज्ड, किस क्या बोलेंगे, बारबेरियन, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 131, किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं किया होता है ना, मकान जो बस्तियां बनाए जाते हैं तो ईंटों का प्रयोग कौन सी सिविलाइजेशन में नहीं किया गया था, तो प्रश्न नंबर 31 गणेश्वर सिविलाइजेशन में नहीं किया गया था, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 32, कौन सा तथ्य सबल ग्राम योजना से संबंधित नहीं है, ठीक है, तो कौन सा नहीं है, एक वर्ष में एक गांव के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए, यही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, ठीक है, बाकी सारे सही हैं, जिसमें आधारभूत सुविधाओं के विकास का कार्य करना, 40% से अधिक अनुसूचित जाति और जनसंख्या वाले गांवों का चयन करना और राशि का ग्राम पंचायतों को आवंटन देना, ये तो सारे थे, ठीक है। आज ये प्रश्न नंबर 133 देखते हैं, तो देखिए प्रश्न नंबर 133, निम्न में से कौन से कोयला किस्म राजस्थान में अधिकांश उत्पादित की जाती है, ठीक है, तो राजस्थान में लिग्नाइट टाइप ऑफ कोल मिलता है, कौन सा मिलेगा, लिग्नाइट टाइप ऑफ कोल मिलेगा, बी का, वो बाड़मेर में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से, ठीक है। प्रश्न नंबर 134, साधु सिंह ओलंपिक खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, किस खेल से जुड़े हुए थे, ये एथलेटिक्स से जुड़े हुए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 134 का। अरे प्रश्न नंबर 135 देखते हैं, अब देखिए प्रश्न नंबर 135, एमएस एक्सेल डेट फंक्शन इज यूज्ड फॉर, एमएस एक्सेल में डेट फंक्शन का प्रयोग क्यों करते हैं, तो सालों महीनों दिनों को जोड़ने के लिए, एड नंबर्स ऑफ इयर्स मंथ्स एंड डेज आप इसमें जोड़ सकते हैं डेट वाले फंक्शन में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर 136, देखिए 136 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2013 में डैश में भारत 63 में से डैश स्थान पर रहा, तो कौन से स्थान पर रहा, 8वें स्थान पर रहा, ऑप्शन बी हो जाएगा 8th पोजीशन पर रहा, ठीक है। प्रश्न नंबर 137, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 का संबंध है, तो किससे है, यह है महिलाओं के लिए निःशुल्क मोबाइल फ़ोन से, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 138, देखिए 138 का हो जाएगा, जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया यहाँ राज्यपाल कौन थे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री संपूर्णानंद, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 139, निम्नलिखित में भारी अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द है, ठीक है, तो हो जाएगा गुरु, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 140, लू इज, तो लू क्या है बताइए, लू इज ए लोकल हॉट एयर इन समर, ठीक है, बी हो जाएगा आंसर, गर्मियों में स्थानीय गर्म हवाओं को लू कहा जाता है राजस्थान में। प्रश्न नंबर 141,
देखो चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, क्लोज द डोर, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, लेट द डोर बी क्लोज्ड, ठीक है। 141 का डी, 142 का आ जाइए, देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंध वाचक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी संबंध दिखा रहा है। प्रश्न नंबर 143, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में डैश राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं में वन क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है, है ना। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में जो सर्वाधिक वृद्धि परसेंटेज में हुई है वो कौन सा राज्य है, ये पूछ रहा है आपसे 143 का, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक, ठीक है। आज ये प्रश्न नंबर 144 देखते हैं, देयर वर डैश पीपल ऑन द बीच सो वी वॉरेंट कंप्लीटली अलोन, है ना, अ फ्यू, 144 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 145, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता, तो बताइए किसने जीता, ये स्वाते पाबो, ऑप्शन बी। विच सेंचुरी इज एस्टेब्लिश फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एलिगेटर इन राजस्थान स्टेट, घड़ियालों के लिए घड़ियालों के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है, ठीक है, तो बताइए कौन सा किया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, चंबल अभ्यारण्य। 147, ठीक है, 1946 में राजस्थान से भारत की संविधान निर्मात्री सभा में कितने सदस्य थे, तो देखिए 12 सदस्य थे और यहाँ आंसर दे नहीं रखा, तो 11 माना जा सकता है सही, वैसे ये बोनस भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 47, 148 आ जाइए, अकाल के लिए प्रसिद्ध दोहे में पग पुंगल के नाम से राजस्थान के कौन से जिले की ओर संकेत किया गया है, ठीक है, तो ये किया गया है बीकानेर के लिए, ऑप्शन सी। प्रश्न 149, ही गेव द प्रिंसिपल पिक्चर टू मी बिकॉज ही डैश मी, ठीक है, तो 149 का क्या हो जाएगा, ही ट्रस्टेड मी, ठीक है, वो मुझसे मुझ पर ट्रस्ट करता है, ऑप्शन डी हो जाना चाहिए इसका आंसर। आज ये प्रश्न नंबर 150, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज, अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है, तो ये कैसा होगा, ये होगा एक से कम, ठीक है, ऑप्शन बी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके 150 क्वेश्चन हो गए हैं, आपका कितना स्कोर बन रहा है कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर विजिट करते रहिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूत होती रहे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, तब तक के लिए बाय, आप सब लोग खुश रहिए।